एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी शिवसेना गठबंधन के 220 सीट पाने के लक्ष्य से पीछे रहने पर तंज कसते हुए कहा कि लोग ताकत का घमंड पसंद नहीं करते, हम सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों ने 220 सीटों को जीतने की बात को अस्वीकार कर दिया है। पवार ने कहा कि हम जनादेश स्वीकार करते हैं, कांग्रेस और अन्य दल एक दूसरे को पूरे दिल से एक दूसरे को सहयोग करेंगे। चुनाव का परिणाम दिखाता है कि लोगों ने सत्ता का घमंड स्वीकार नहीं किया। पवार ने सत्तारूढ़ दलों के नेताओं के नाम लिए बिना कुछ कहा कि कुछ लोगों ने अतिवादी विचारों को रखने की सीमा को लांघ सा दिया। इतना ही नहीं, शरद पवार ने यह भी कहा कि हमारे पास जरूरी आंकड़ा नहीं है, इसलिए हम जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। कांग्रेस को लोगों ने अच्छा सहयोग दिया है, हमारे सरकार चलाने के लिए जो नंबर है वो नंबर हमारे पास नहीं, और इसे एक जिम्मेदार विपक्ष इस नाते से काम करना हमारा फर्ज रहेगा। और जो समस्या आम जनता के सामने है, खासतौर से किसानों की हो, बेरोजगारी है, इंडस्ट्रियल यूनिट बंद है, इसकी है, ऐसी कई समस्या है, इसको ज्यादा ध्यान देना और लोगों की समस्या हल करने के लिए मेहनत करना, कोशिश करना, ये हमारा प्रोग्राम रहेगा। इस रास्ते से हम जाएंगे।